अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डिटॉक्स करने का तरीका कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन से डिटॉक्स किस तरह करते हैं पूरे जिस्म को। क्योंकि हम जो हवा में सांस लेते हैं उस हवा के अंदर बहुत से जरासीम होते हैं जो हमारे जिस्म में जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। हम जो फूड खाते हैं उस फूड के अंदर भी जहरीले मादे होते हैं, वो भी हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, जिसके जो हमें बीमार कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो बेतहाशा आलूदगी होती है उसमें, और जिसकी वजह से वो जितने भी टॉक्सिस और जहरीले मादे हैं वो हवा के ज़रिए हमारे जिस्म में जाते हैं। इसी तरह हम जो चीज़ खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, तो उसके ज़रिए भी हमारे जिस्म में टॉक्सिस और जहरीले मादे हमारी बॉडी में जाते रहते हैं। इन सब से निमटने के लिए होम्योपैथिक में बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा जो बहुत ही मुफीद है वो पूरे जिस्म को डिटॉक्सिफिकेशन करती है। तो जिस तरह हम अलग अलग ऑर्गेन को डिटॉक्स करने के लिए अलग अलग होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे मसलन लीवर को डिटॉक्स करने के लिए चिलीडोनियम है, इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने के लिए रूटा है, और स्किन को डिटॉक्स करने के लिए बारबालिस एक्वाफिलम का इस्तेमाल किया जाता है। मेरी इसमें तमाम तर वीडियो मौजूद हैं, आप लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप मेरी वीडियो तमाम देख सकते हैं। तो हमारे जिस्म को बीमार करने वाले जो अंसर होते हैं, जिससे जो हवा फूड और पानी के ज़रिए हमारे जिस्म में जाते हैं, इनको डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छी और मुफीद अद्वियात मौजूद हैं होम्योपैथिक में। हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, ये भी मेरा एक वीडियो है, उसमें लिंक में दे दूँगा, आप वो मेरा ज़रूर देखिएगा। तमाम बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है निफेंड्रा, ये साउथ अमेरिका और कनाडा के जंगलात में मिलती है। इसके रूट और ब्रांचेस से ये दवा बनाई जाती है। इस दवा को इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप गर्म पानी के अंदर मदर टिंचर निफेंड्रा की मदर टिंचर को 10 कतरे पानी में डाल के इस्तेमाल करें, दिन में 2 दफ़ा सुबह और जिस्म के तमाम अंसर को डिटॉक्स करती है। यानी हमारे लीवर के अंदर, अगर आपके लीवर के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस है तो उसको डिटॉक्स करती है निफेंड्रा ट्यूब। क्योंकि जो भी हमारे जिस्म में सबसे पहले जो ऑर्गेन है वो मुतासिर होता है लीवर, फिर लीवर के बाद गाल ब्लेडर होता है, गाल ब्लेडर को भी डिटॉक्स करता है निफेंड्रा ट्यूब। उसके बाद किडनी को भी डिटॉक्स करता है निफेंड्रा, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेन है ये हमारी बॉडी से तमाम तर जहरीले मादे निकालता है। निफेंड्रा इसकी मदद करता है लीवर की और किडनी की। निफेंड्रा कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है और उनको जो है स्टूल डार्क ब्लैक कलर का आता हो, तो वो शख्स निफेंड्रा का मरीज़ है। निफेंड्रा को दिन में 3 दफ़ा 20-20 कतरे इस्तेमाल करने चाहिए क्यू पावर के अंदर। निफेंड्रा पूरे जिस्म को डिटॉक्स करती है, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट को सही रखती है, किडनी के फंक्शन को ठीक रखती है, और इसी तरह स्टोमक, जो जिनका स्टोमक बिगड़ा हुआ होता है, यानी उनको अनडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है, गैस की शिकायत होती है, तो निफेंड्रा इन तमाम तर अलामात में बहुत ही मुफीद है।
दोस्तों, हमारे जिस्म को कहीं भी बैक्टीरिया जमा हो जाए और टॉक्सिस भी हमारे जिस्म में जमा हो जाए तो लिफेंड्रा ट्यूब पावर में इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि लिफेंड्रा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी बहुत ही अच्छा और मौसर इलाज है। लिफेंड्रा को तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करनी चाहिए। 15 दिन के बाद आप दोबारा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद आप इसको दोबारा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टोमक के अंदर टॉक्सिस है और आपका पेट का मसला है तो डिटॉक्स करने के लिए लिफेंड्रा से अच्छी और कोई दवा नहीं है। लिफेंड्रा बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। लिफेंड्रा का मरीज इसको कब्ज़ की शिकायत अक्सर रहती है और इसका स्टूल डार्क ब्लैक कलर का होता है। मरीज़ को कब्ज़ के साथ साथ बदहज़मी, गैस और एसिडिटी रहती है और स्टूल का रंग तो बहुत ही ब्लैक होता है, तो वो मरीज़ लिफेंड्रा का है। ये मरीज़ लिफेंड्रा का सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करे, वो मरीज़ लिफेंड्रा का 15 दिन इस्तेमाल करे गुनगुने पानी के अंदर 20 बूंदें डाल के, तो उसकी ये तमाम तर बीमारियाँ जितनी भी अलामत हैं पेट के मुतालिक वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी को पुरानी कब्ज़ है और उसके साथ फाइल्स का मसला है, यानी फाइल्स से मुराद ये है कि उसके मकद में अपना ईचिंग होती है, ईचिंग की वजूहत ही इसी वजह से होती है कि वो कब्ज़ का शिकार है। लिफेंड्रा कब्ज़ को ख़त्म करती है क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी कहलाती है। ये एक ही मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो पूरे जिस्म को डिटॉक्स करती है। हमें अलग अलग मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तमाम बॉडी के ऑर्गेन्स को डिटॉक्स करती है। बहुत मुफीद दवा है। इसका इस्तेमाल है दिन में 2 दफ़ा 10-10 कतरे गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में इसके मुतालिक, लिफेंड्रा के मुतालिक जो भी सवाल हो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इसके मुतालिक और दूसरी बीमारियों के मुतालिक। शुक्रिया।